रेगिस्तान के खारे पानी वाले इलाकों में सोलर स्टील का उपयोग करके वृक्षारोपण के द्वारा पौधों को मीठा पानी दिया जा सकता है। सोलर स्टील बनाने के लिए एक टब पानी की यूज्ड बोतल और एक निकास नली की आवश्यकता होती है। टब में निकास नली को उसके बिल्कुल केंद्र में स्थिर कर देते हैं। पानी पीने की बोतल को उसके मुंह वाले सिरे से 4 इंच की ऊंचाई तक काट लेते हैं और बोतल को भी निकास नली को अंदर लेते हुए टब के बिल्कुल केंद्र में स्थिर कर देते हैं। ये देखिए, पानी की यूज्ड बोतल को लगभग 3-4 इंच की ऊंचाई में काट के उसके सिरे की तरफ से टब के केंद्र में निकास नली को अंदर लेते हुए स्थिर कर दिया गया है। निकास नली को वांछित लंबाई तक कर लेते हैं। इसके पश्चात टब में खारा पानी भर देते हैं। खारा पानी भरते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि खारा पानी टब के अंदर स्थिर की गई बोतल के ऊपरी किनारे से 2 या 3 मिलीमीटर नीचे रहे। चूँकि टब की ऊपरी किनारे बोतल के किनारों से ऊंचे हैं, इसलिए बोतल नीचे रहेगी और पानी बोतल के ऊपरी किनारों से नीचे। खारा पानी टब में भरने के पश्चात टब के ऊपरी किनारे पर किसी मजबूत स्थिरक को लगाकर उसके ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन रखकर टब को पूरी तरह से एयर टाइट रूप से पॉलीथीन से ढक देते हैं और ये आपका सोलर स्टील तैयार हो गया है। अब इसे आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी पौधे को पानी देना है सोलर स्टील को वहाँ पर स्थिर कर दीजिए। सोलर स्टील के ऊपर लगाई गई पॉलीथीन की सीट पर बोतल की सीध में कोई वजन रख दीजिए ताकि सीट के अंदर आश्रित जल की बूंदें रिस रिस कर ठीक बोतल की सीध में आकर बोतल के अंदर गिर सकें। बोतल के अंदर गिरी हुई पानी की बूंदें पौधे की जड़ों में देने के लिए आप ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पौधे के जड़ों के पास में एक छोटा सा गड्ढा करके और उसमें कुछ पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे डालकर उनमें एक बेकार पाइप स्थिर कर दीजिए। इस पाइप में सोलर स्टील की निकास नली को अंदर डाल दीजिए। निकास नली से पानी इस नली में से होता हुआ सीधा पौधे की जड़ों तक चला जाएगा। ये देखिए, एक विद्यालय के वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए सोलर स्टील स्थापित करते हुए, चूँकि निकास नली ढीली है इसलिए सोलर स्टील को बार बार उठाकर पौधों के पास ले जाया जा सकता है। ये निकास नली ड्रिप सिस्टम की नली से जोड़ते हुए सोलर स्टील को स्थिर कर देते हैं। अब धूप से पानी वाष्पित होकर पॉलीथीन के भीतरी हिस्से में आश्रित होकर बूंदों के रूप में बोतल में इकट्ठा होता हुआ सीधा निकास नली से ड्रिप सिस्टम से पौधे की जड़ों तक आता रहेगा। लगभग 6-7 विद्यालयों के वृक्षारोपण कार्यक्रम में इस बार की रेगिस्तानी धूप में खारे पानी के इलाकों में इसी तरीके से पानी दिया गया। ये एक दूसरे वृक्ष के पास ड्रिप सिस्टम की नली, जिसमें यहाँ लाकर सोलर स्टील को लगाया जा सकेगा। खारे पानी लवणीय भूमि व तेज धूप व कम पानी वाले क्षेत्रों में आसुत जल देने वाली ये युक्ति न केवल ऊर्जा किफायती है बल्कि जल किफायती भी है और साथ ही साथ वस्तुओं के रीयूज में लेने वाली युक्ति भी है।